इस वीडियो में हम लोग डी फार्म फर्स्ट ईयर के सब्जेक्ट फार्माकोग्नोसी में टॉपिक एंटी डायबिटिक्स के बारे में जानेंगे। सबसे पहले हम एंटी डायबिटिक्स के बारे में जानेंगे, उसके बाद जो ड्रग हमें पढ़नी है पेटेरोकार्पस और जिमनेमा उसके बारे में जानेंगे। सबसे पहले एंटी डायबिटिक क्या होता है ये हम जानते हैं। एंटी डायबिटिक या फिर हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट या फिर एंटी हाइपरग्लाइसेमिक एजेंट सब एक ही टर्म है। तो एंटी डायबिटिक्स या फिर हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट वैसा एजेंट होता है, वैसा ड्रग है जो ब्लड शुगर लेवल को कम करता है। एंटी डायबिटिक एजेंट या फिर हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट डायबिटीज मिलाइटस मींस दैट डीएम के ट्रीटमेंट में यूज होता है। एंटी डायबिटिक्स और हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट्स आर द ड्रग that are used to lower the blood sugar level. These agents are used in the treatment of diabetes mellitus. अब हम डायबिटीज मिलाइटस के बारे में जानते हैं कि आखिर डायबिटीज मिलाइटस क्या होता है। डायबिटीज मिलाइटस एक क्रोनिक मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है जिसमें हाइपरग्लाइसेमिया हो जाता है और ग्लाइकोसूरिया हो जाता है। मींस दैट डायबिटीज मिलाइटस में ब्लड में एक्सेस लेवल ऑफ शुगर हो जाता है और शुगर का प्रेजेंस आने लगता है यूरिन में। डायबिटीज मिलाइटस इज अ ग्रुप ऑफ क्रोनिक मेटाबॉलिक डिसऑर्डर characterized by persistent hyperglycemia and glycosuria. हाइपरग्लाइसेमिया का मतलब ब्लड में एक्सेस लेवल ऑफ शुगर, एक्सेस शुगर इन द ब्लड, और ग्लाइकोसूरिया का मतलब प्रेजेंस ऑफ शुगर इन यूरिन। अब हम मेन टाइप्स ऑफ डायबिटीज मिलाइटस जानते हैं। मेनली थ्री टाइप्स के डायबिटीज मिलाइटस होते हैं। सबसे जो फर्स्ट है वो है टाइप वन डायबिटीज मिलाइटस, जिसको हम इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मिलाइटस कहते हैं। इसमें इंसुलिन का इंजेक्शन पेशेंट को दिया जाता है। या फिर शॉर्ट में IDDM। जो सेकेंड टाइप है वो है टाइप टू डायबिटीज मिलाइटस, नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मिलाइटस। इसको शॉर्ट में हम NIDDM कहते हैं। और जो थर्ड है वो है गेस्टेशनल डायबिटीज। ये जनरली प्रेग्नेंट वोमेन में अकर करता है, जनरली अकर्स इन प्रेग्नेंट वोमेन। जो हमें ड्रग्स पढ़ना है एंटी डायबिटिक्स फार्माकोग्नोसी में, उसमें दो ड्रग है, एक है पेटेरोकार्पस और जो सेकेंड है वो है जिमनेमा। हमें स्टार्ट करते हैं पेटेरोकार्पस से। पेटेरोकार्पस का ट्री कुछ इस तरह का होता है। साइनोनिम्स जानते हैं पेटेरोकार्पस का, कीनू कहा जाता है पेटेरोकार्पस को, वंशाल कहा जाता है बीजासल या फिर वंशाल या बीजशाल, रक्त चंदन भी कहा जाता है और मालाबार किनू कहा जाता है। इस ट्री के स्टेम को इंसाइज करके इससे जूस जो ऑब्टेन होता है उसी को हम एज एंटी डायबिटिक एजेंट यूज करते हैं। पेटेरोकार्पस
जूस ऑब्टेंड फ्रॉम द इनसाइज्ड स्टेम ऑफ पेटेरोकार्पस मार्सुपियम। जो इंसीजन होता है वो वर्टिकल इंसीजन होता है, वर्टिकल इंसीजन, जिससे उसमें से जूस जो निकलता है उसी को हम एज एंटी डायबिटिक एजेंट यूज करते हैं। पेटेरोकार्पस मार्सुपियम ये हमारा बायोलॉजिकल सोर्स हो गया। और जो फैमिली से पेटेरोकार्पस बिलोंग करता है वो है लेगुमिनेसेई या फिर फेबेसियाई। अब हम जियोग्राफिकल सोर्स जानेंगे पेटेरोकार्पस का। पेटेरोकार्पस जनरली इंडिया में और श्रीलंका में पाया जाता है। पेटेरोकार्पस मार्सुपियम इज इंडिजेनस टू इंडिया एंड श्रीलंका। इंडिया में ये जनरली हिली रीजन्स में पाया जाता है, फॉर एग्जाम्पल गुजरात, मध्य प्रदेश, यूपी, बिहार और उड़ीसा। इन इंडिया पेटेरोकार्पस मार्सुपियम इज फाउंड इन हिली रीजन्स ऑफ गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार एंड उड़ीसा। अब हम ऑर्गेनोलेप्टिक कैरेक्टर्स जान लेते हैं पेटेरोकार्पस का। जो ड्राइड जूस है पेटेरोकार्पस का वो वर्टिकल इंसिजन जब किया जाता है पेटेरोकार्पस मार्सुपियम ट्री के बार्क में तब हमें मिलता है। ड्राइड जूस ऑफ पेटेरोकार्पस इज ऑब्टेन्ड बाय मेकिंग इंसिजन। जो इंसिजन होगा वो वर्टिकल होगा टू द स्टेम बार्क ऑफ द पेटेरोकार्पस मार्सुपियम ट्री। जूस का कलर हम जानते हैं, तो जूस का कलर रूबी रेड रहता है, क्रिम्सन कलर रहता है। ऑर्डर जूस का नहीं रहता है, मींस दैट ऑर्डरलेस। और टेस्ट एस्ट्रिंजेंट रहता है। साइज जानते हैं, जब जूस अमॉर्फस सॉलिड बन जाता है तब वो 3 to 5 mm डायमीटर का ग्रेनुअल्स बन जाता है। शेप जो ग्रेनुअल्स बनता है, मींस दैट जूस जब एमॉर्फस सॉलिड बन जाता है उस केसेज में एंगुलर ग्रेन्स टाइप का शेप हो जाता है, मींस दैट जो ग्रेनुअल्स रहता है उसमें एंगल्स राइट साइड से बन जाते हैं। जो टेक्सचर है ग्रेनुअल्स का वो हार्ड और ब्रिटल रहता है, सरफेस पे फ्रैक्चर भी रहता है। ग्रेन्स आर हार्ड एंड ब्रिटल विथ फ्रैक्चर। सोल्युबिलिटी जाने पेटेरोकार्पस जूस का, तो वाटर में पार्टली सोल्यूबल है और कंप्लीटली सोल्यूबल है अल्कोहल में। पार्टली सोल्यूबल इन वाटर, फुली और कंप्लीटली सोल्यूबल इन अल्कोहल। अब हम पेटेरोकार्पस का केमिकल कंस्टिट्यूएंट जानेंगे। जो मेजर केमिकल कंस्टिट्यूएंट है पेटेरोकार्पस का वो है किनोटेनिक एसिड, जो नॉन ग्लूकोसाइडल टैनिन होता है। द मेन केमिकल कंस्टिट्यूएंट, ये केमिकल कंस्टिट्यूएंट इज किनोटेनिक एसिड, जो 70 to 80% रहता है। जो किनोटेनिक एसिड है ये नॉन ग्लूकोसाइडल टेनिन है।
किनोटेनिक एसिड जो मेजर केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट है, इसके अलावा पेटेरोकार्पस में किनोरेट पाया जाता है, किनोनिन पाया जाता है, पाइरोकैटेसिन पाया जाता है जो कैथेकॉल होता है, कैथेकोलिक कंपाउंड होता है, उसके अलावा रेजिन और गैलिक एसिड भी पाया जाता है। इट ऑल्सो कंटेन किनोरेट, किनोनिन, पाइरोकैटेचिन जो कि कैथेकोलिक कंपाउंड है, रेजिन एंड गैलिक एसिड। अब हम आइडेंटिफिकेशन जानते हैं कि कोई हमें सैंपल दिया गया, उसे आइडेंटिफाई करना है ये पेटेरोकार्पस ड्रग है या नहीं। उस केसेज में जो सैंपल दिया गया रहेगा उस सॉल्यूशन को हम ट्रीट करेंगे फेरस सल्फेट के साथ। अगर वहां से ग्रीन कलर का प्रेजेंस हमें मिलता है रिएक्शन का, तो वो ड्रग पेटेरोकार्पस ड्रग होगा। व्हेन द सॉल्यूशन ऑफ पेटेरोकार्पस ड्रग is treated with ferrous sulfate, it shows the presence of green color. यूजेस जान लेते हैं पेटेरोकार्पस का। जो अल्कोहलिक और एक्वस एक्सट्रैक्ट रहता है पेटेरोकार्पस का, वो हाइपोग्लाइसेमिक एक्शन शो करता है। मींस दैट अल्कोहलिक या फिर एक्वस एक्सट्रैक्ट रहता है पेटेरोकार्पस का, उसको हम एंटी डायबिटिक एजेंट के तौर पे यूज करते हैं। अल्कोहलिक और एक्वस एक्सट्रैक्ट मीन्स दैट जूस ऑफ पेटेरोकार्पस possesses hypoglycemic action. किनोरेट जो पेटेरोकार्पस में पाया जाता है वो एक पावरफुल एस्ट्रिंजेंट के तौर पे एक्ट करता है, और किनोरेट को हम डायरिया, डाइसेंट्री, टूथ एक के ट्रीटमेंट में भी यूज करते हैं। किनोरेट इज यूज्ड एज पावरफुल एस्ट्रिंजेंट and also in the treatment of diarrhea, dysentery and toothache. जो पेटेरोकार्पस मार्सुपियम का लीव्स होता है उसको हम स्किन डिजीज के ट्रीटमेंट में भी यूज करते हैं। जो सेकेंड ड्रग है वो है जिमनेमा। जिमनेमा के जनरली लीव्स को हम एज एन एंटी डायबिटिक एजेंट यूज करते हैं। जिमनेमा का साइनोनेम्स है गुडमर या फिर मधुनसिनी, मधुनसिनी। बायोलॉजिकल सोर्स जानते हैं जिमनेमा का, जिमनेमा या फिर गुडमर, या गुडमर भी कहता है, कंसिस्ट ऑफ ड्राइड लीव्स ऑफ जिमनेमा सिल्वेस्ट्री। जिमनेमा एस्लेपियाडेसेई फैमिली से बिलोंग करता है, एस्लेपियाडेसेई फैमिली से बिलोंग करता है। जियोग्राफिकल सोर्स जानते हैं जिमनेमा का। जिमनेमा जनरली इंडिया में पाया जाता है, कॉमनली नॉर्थर्न और वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया में जनरली जिमनेमा का कल्टीवेशन होता है। फाउंड इन इंडिया, कॉमनली नॉर्थर्न एंड वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया। जिमनेमा के बारे में एक इम्पॉर्टेंट बात यह है कि जिमनेमा को मेडिसिनल पर्पस के कारण ही ओकेजनली कल्टीवेट किया जाता है। जिमनेमा
इज ऑकेजनली कल्टिवेटेड फॉर द मेडिसिनल पर्पस। जिमनेमा लीफ का हम अब मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स जानते हैं। जो कलर है लीव्स का वो डार्क ग्रीन होता है, यहां देख सकते हैं आप। लीव्स का ऑर्डर एरोमेटिक और प्लीजेंट होता है, प्लीजेंट एंड एरोमेटिक। जो जिमनेमा लीफ है उसका साइज होता है 3 to 5 सेंटीमीटर लेंथ और 1 to 2 सेंटीमीटर विड्थ। ये 3 to 5 सेंटीमीटर रहता है और ये विड्थ 1 to 2 सेंटीमीटर रहता है। 3 to 5 सेंटीमीटर लेंथ और 1 to 2 सेंटीमीटर विड्थ। जिमनेमा लीफ का एपेक्स जो रहता है वो एक्यूट रहता है, एक्यूट एपेक्स, यहाँ पे ये एक्यूट रहता है। जिमनेमा लीफ का एक रिमार्केबल प्रॉपर्टी ये है कि जब जिमनेमा लीफ को चीव किया जाता है, मींस दैट जिमनेमा लीफ को जब चबाया जाता है, चबाने के बाद जो टेस्ट ग्लैंड है वो पैरालाइज हो जाता है फ्यू आवर्स के लिए, जिससे ना हमें स्वीट और ना हमें बीटर टेस्ट का कुछ पता चलता है। द लीव्स ऑफ जिमनेमा वेंच्यूड paralyzes the taste gland for few hours against sweet and bitter taste. ये एक बहुत important remarkable property है जिमनेमा लीफ का, रिमार्केबल प्रॉपर्टी ऑफ जिमनेमा लीफ। अब हम केमिकल कंस्टिट्यूएंट जानते हैं जिमनेमा लीफ में क्या प्रेजेंट रहता है। जो इम्पोर्टेंट केमिकल कंस्टिट्यूएंट है जो जिमनेमा लीफ में प्रेजेंट रहता है वो है जिमनेमिक एसिड, एंथ्राक्विनोन डेरिवेटिव्स, टाल्टेरिक एसिड, फॉर्मिक एसिड, ब्यूटेरिक एसिड, म्यूसिलेज, इनोसिटॉल और अल्फा बीटा क्लोरोफिल। इम्पोर्टेंट कंस्टिट्यूएंट ऑफ The leaves of Gymnema are Gymnemic acid, anthraquinone derivatives, formic acid, butyric acid, म्यूसिलेज, इनोसिटॉल और अल्फा एंड बीटा क्लोरोफिल। अब हम यूजर्स जानते हैं जिमनेमा का। तो जो लीव्स है जिमनेमा का उसको हम डायबिटीज के ट्रीटमेंट में यूज करते हैं। फर्दर जिमनेमा लीफ को हम एज ए स्टिमुलेंट यूज करते हैं, टॉनिक के तौर पे यूज करते हैं और कफ डिप्रेसेंट के तौर पे भी यूज करते हैं। लीव्स ऑफ जिमनेमा आर यूज्ड इन डायबिटीज एज स्टिमुलेंट, जो पेरिस्टाल्टिक एक्टिविटी को स्टिमुलेट करे, एज टॉनिक एंड ऑल्सो एज कफ डिप्रेसेंट। जिमनेमा लीफ को हम वेट लोअरिंग ड्रग के तौर पे भी यूज करते हैं। इट इज ऑल्सो यूज एज वेट लोअरिंग ड्रग। इस वीडियो में बस इतना ही। होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को शेयर करिए।